बच्चन से जुड़ा एक पुराना वाकया याद आ गया। बिरला और अंबानी तक के चक्कर काटे थे बच्चन परिवार ने, लेकिन मदद की थी अकेले अमर सिंह ने। ये बात अमर सिंह ने कुछ वर्ष पूर्व अपने इंटरव्यू में बताई थी। बकौल अमर सिंह, अनिल अंबानी के यहाँ एक मूंछ था। अमिताभ बच्चन ने संदेश दिया कि इस दौरान आप मुझसे मिले। मैंने कहा कि हमारे आपके संबंध में अनिल अंबानी का क्या काम है, हम सीधे मिलने, लेकिन अमिताभ हर गए कि वहीं मिलते हैं। तब उन्होंने अनिल अंबानी के भूज में अनिल के सामने कहा कि सहारा के भूज से आप भी निकल गए, मुझे, जया और ऐश्वर्या को भी निकलवा दिया। आपने सहारा से निकलने के लिए हमें गलत सलाह दी और वहाँ बूनी कपूर को रखवा दिया। आपने कितना गलत किया, हम लोग सक्षम लोग हैं और अपनी जिंदगी जी सकते हैं। अनिल अंबानी यह सुनकर अवाक रह गए। जया बच्चन वहाँ खड़ी खड़ी मुस्कुराने लगी। चूँकि वहाँ अनिल अंबानी बैठे हुए थे इसलिए अमर सिंह चुप रहे, लेकिन फिर अमर ने अमिताभ को लताड़ते हुए कहा कि जब आप चौतरफा कर्ज में डूबे हुए थे और आपने कुमार मंगलम बिरला और अंबानी से लेकर बसंत बिरला तक का चक्कर काटा और किसी ने आपको एक पैसा भी नहीं दिया, उस समय आपकी सक्षमता का क्या हुआ? उस वक्त ही अमर सिंह न होता तो आप दर दर की ठोकरें खा रहे होते। अमिताभ ये सुनकर रुमासे हो गए और सर झुकाकर खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद वो अमर सिंह के पास गए और बोले, जया ने घर में हंगामा मचाया हुआ है, उसका दिल रखने के लिए मुझे ये बात आपको अनिल के सामने बोलनी पड़ी, लेकिन आपने अच्छा किया जो उसके सामने सच्चाई बयान कर दी। असल में अमिताभ सहित उनका पूरा परिवार जया बच्चन की हरकतों, अनिल व्यवहार और बीतू के बुलों से परेशान है। ये बात सब जानते हैं कि अमिताभ बच्चन एक अलग घर प्रतीक्षा में रहते हैं, जया बच्चन एक अलग घर में रहती हैं और अभिषेक बच्चन एक अलग घर में रहते हैं। एक छोटे से परिवार के तीन लोग तीन जगह रहते हैं, ये बात जाहिर है पूरी मुंबई देखती है। हाल ही में पूरे परिवार को कोविड-19 हुआ लेकिन जया बच्चन को नहीं हुआ, क्योंकि परिवार के सदस्य भी जय से यदाकदा ही मिलते हैं। आज जिस फिल्म इंडस्ट्री के बचाव की आड़ में बॉलीवुड के ड्रग्स माफिया का बचाव करने की सीमा भी जया बच्चन लंघ रही है, उसी फिल्म इंडस्ट्री के लोग अमिताभ और जया बच्चन की उस भिखमंगी के दौर में अपना बकाया पैसा वसूलने के लिए अमिताभ और जया बच्चन के घर पर गुंडों और लफंगों को भेजने लगे थे। डिंपल कपाड़िया ने तो उन्हें इतना परेशान किया था कि अमिताभ ने अपने इंटरव्यू तक में इसका जिक्र किया। डिंपल तो अपना पैसा वसूलने के लिए अमिताभ और जया बच्चन के घर में घुसकर जमकर गाली गलौज करने लगी थी। अतः रवि किशन और कंगना रानौत पर जिस थाली में खाने उसी थाली में छेद करने का आरोप लगा रही जया बच्चन को ये याद कराना बताना जरूरी है कि बॉलीवुड के ड्रग्स माफिया के विरुद्ध आवाज उठाने को जिस थाली में खाना उसी थाली में छेद करना नहीं कहते। इसके बजाय जिन अमर सिंह ने अकेले अपने दम पर अमिताभ और जया बच्चन को उनकी उस भिखमंगी के नरक से निकालकर सफलता संपन्नता समृद्धि और सम्मान के शिखर पर दोबारा बैठाया हो, अपनी उंगली पकड़ा कर देश के सर्वोच्च सदन राज्यसभा में ले जाकर बैठाया हो और अमर सिंह को जब मदद की आवश्यकता पड़ी तो उनकी मदद के लिए उनके पक्ष में खड़ी होने के बजाय जया बच्चन और अमर सिंह के शत्रु के साथ खड़ी हो गई थी और जया बच्चन ने अमर सिंह पर प्रहार करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। अपनी उपरोक्त करतूतों को जया बच्चन पता नहीं क्या कहती समझती है, लेकिन इस देश का आम आदमी ऐसी करतूतों को जिस थाली में खाना उसी थाली में छेद करना ही कहता और समझता है। आज अमर सिंह जिंदा नहीं है। अंतिम समय में अमर सिंह और अमिताभ के बीच खटास इतनी बढ़ गई थी कि अमिताभ अमर सिंह को देखने एक बार भी अस्पताल जाना भी मुनासिब नहीं समझा।